सरकार ने 9 जिलों को हम लोगों ने गंगा किनारे 9 जिले को हमने चयनित किया है और जैविक खेती बढ़ावा देने के लिए जैविक सब्जी अनुदान की राशि किसान भाइयों को हमने दी जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट में 4 जिलों को हमने चुनाव करा करके पटना, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा को जाकर और वहाँ किसान भाइयों को हमने इनपुट सब्सिडी दिया। बिहार पहला राज्य है जहाँ किसानों को पहले हमने प्रति मतलब 10 कट्ठे पर 6000 रुपये का इनपुट सब्सिडी दिया है और आगे अगले चरण में हम 5 जिला में देने जा रहे हैं और हम विचार कर रहे हैं कि राज्य के किसानों को कैसे इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराया जाए। और साथ साथ किसान भाइयों ने कहा कि हमें बाजार चाहिए तो बाजार के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा कॉपरेटिव बनाए जा रहे हैं और किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए जो राज्य के विशेष फसल जो हमारे जा करते हैं वो विशेष रूप से आम हमारा है, लीची है, केला है, अमरूद है, टमाटर है, आलू है, ऐसे लगभग हर जिले के विशेष फसल हमारे जा करते हैं। उन फसलों का हमने किसान भाइयों से हमारी बात हुई जा करती और हम कर क्या रहे हैं वहाँ पर जा करके किसानों से बात करके उनको ट्रेनिंग दे करके क्लस्टर बना रहे हैं और क्लस्टर बनाकर FPO बना रहे हैं। बिहार में छोटे किसान ज़्यादा हैं और बिहार में सीमांत किसान ज़्यादा रह गए। हम किसान भाइयों के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। प्रथम चरण में हमने तय किया है कि राज्य के 8405 पंचायत सभी पंचायतों में हम फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बना रहे हैं, फूड सिक्योरिटी ग्रुप हम बना रहे हैं और प्रखंडों में हमने तय किया है जाकर के 534 में हम FPO बना रहे जाकर के हैं। उसके माध्यम से हमने व्यवस्था बनाई जाकर के है ताकि किसान का जो फसल हो, जो फल होगा, सब्जी होगा, उसका हम पहले सॉर्टिंग करेंगे, फिर ग्रेडिंग करेंगे जाकर के, फिर उसको पैकेजिंग करेंगे जाकर के, फिर प्रोसेसिंग करेंगे जाकर के और उसके लिए हमने अभी फेज वन में हमने 15 ऐसे बिहार के जो फल हैं और बिहार के सब्जी हैं इसको हमने तय किया है और हम करके और कार्गो के माध्यम से पट्टा हवाई अड्डा हमारा है, बात हो गई है, कार्गो के माध्यम से हम देखते हैं बिहार में भिंडी का रेट 2 रुपये किलो होता है तो खाड़ी के देशों में 200 रुपये किलो होता है, बिहार में अमरूद का रेट 60 रुपये किलो होता है तो थाईलैंड के बाजार में 250 रुपये किलो होता है। तो हमने तय किया है कार्गो के माध्यम से राज्य के जो स्पेशल क्रॉप्स हमारे हैं, लीची है, आम है, मखाना है, हल्दी क्या खेती होने जा रही है, अमरूद होता हमारे काम करा करते हैं, इन फसलों को हम किसानों को सही दाम कैसे मिले उसके लिए हमारा प्लान जा करके है कि हम कार्गो के माध्यम से किसान भाइयों को मालूम होगा आज मालूम नहीं है दुनिया में क्या रेट चल रहा है करते हैं। तो बिहार का कृषि विभाग ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा है और किसान भाइयों को हम 90% सब्सिडी पर हम सिस्टम देने जा रहे हैं ताकि उनका सॉर्टिंग हो, ग्रेडिंग हो, पैकेजिंग हो, प्रोसेसिंग हो और तब दुनिया के बाजार में जब जाएगा तो किसान को, किसान भाइयों को बेहतर मूल्य मिलेगा। इसकी तैयारी हमारे आप जो बातें यहाँ बता